हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सागर अमला व्लॉग्स में। और आज आपके लिए लाया हूँ एक नया व्लॉग। थोड़ा साफ सफाई करते हैं कमरे पे, तो मैंने सोचा एक व्लॉग भी बना लेता हूँ। तो सबसे पहले यार आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो को इतना शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो धन्यवाद यार। और ऐसे ही लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और जो नए चैनल जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज पहले किचन की सफाई करूँगा। और किचन ये हो रखा है, थोड़ा थोड़ा गंदा हो रखा है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा गंदा हो रखा है। और ये अंदर वाला रूम, और लाइट खोलते हैं। तो बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो ये थोड़ा बहुत कपड़े हैं, और ये थोड़ा बिस्तर ठीक करने के लिए, बाकी तो सब कुछ सही है। थोड़ा हम घर जा रखे थे, शादी से आए। शादी वाला ब्लॉग आप सबने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा तो जाओ जल्दी से शादी वाला ब्लॉग भी देख लो। तो मतलब तब हम घर गए थे तो कपड़े कपड़े धुले भी थे उस टाइम पे, तो सब ऐसे अस्त व्यस्त हैं। तो आज सफाई करता हूँ, साथ साथ में एक वीडियो बनाता हूँ। तो फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और साफ सफाई करते। तो यार ट्राईपॉड तो मेरा टूट चुका है, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और देखता हूँ भैया ने, तो भैया तोड़ के लाया, घूमने गया था वहाँ से ट्राईपॉड तोड़ के लाया। अब देखता हूँ इस परोठी में ऐसे करके ऐसे अटका के कुछ देखता हूँ, कुछ करते हैं, जुगाड़ करते हैं। अभी करते हैं कुछ, आप भी ठीक करके देता हूँ। तो यार कैसे न कैसे करके मैंने फ़ोन अटका दिया है। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक का बटन फ्री है, सब्सक्राइब का बटन फ्री है, तो 2 सेकंड लगेंगे, कर दो यार। फ़ोन रिस्क में है, गिर भी सकता है, फटाफट चलते हैं। और पहले यहाँ से शुरू करेंगे, तो उसके बाद बर्तन भी लेंगे, फिर पोछा मारेंगे, वापस चलते हैं। तो यार वैसे इधर से साफ सफाई हो गई है, अब बर्तन है थोड़ा धुलने के लिए, तब इधर झाड़ू पोछा मारूंगा, बाकी थोड़ा बहुत इधर भी पोछा मारूंगा, फिर साफ हो जाएगा। यार वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरी आदत नहीं है ऐसे कि मैं सबको ऐसे साफ सफाई वाले साफ मतलब ऐसे साफ दिखाऊँ कि क्लियर, तब सब बोले हाँ यार इसका रूम कितना क्लियर है, ये वो। मेरी आदत नहीं यार, मैं वैसे जैसा है वैसे दिखाता हूँ। इससे पहले भी जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, जो जिन्होंने पहले देखे होंगे, उस टाइम भी ऐसे ही रहता था कमरा, अभी भी ऐसे ही रहता है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। बल्कि मेरा जो घर वाला कमरा, जहाँ मैं घर रहता था, तो जो मेरा वाला कमरा था वो भी ऐसे ही रहता था, वो तो इससे भी मतलब ख़राब रहता था। बाकी उधर गालियाँ भी पड़ती थी मम्मी की, और कभी मारे पड़ जाती थी, तो उसमें क्या है, खा लो, उसमें क्या है, घर वाले फ्री मतलब 2 रोटी भी मिल रही है, साथ में 2-4 गालियाँ भी खा लो, उसमें क्या है। थोड़ा बहुत मैं वहाँ भी ऐसे कभी कभी सफाई कर लेता था, तो इधर तो ब्लॉग बनाने का वो मिल जाता है, लेकिन घर में नहीं बनाता। मतलब ऐसा नहीं है यार कि मैं आज ही वो कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसे दिखा रहा हूँ कि मतलब मैं ऐसे दिखाने वाला नहीं हूँ कि बिल्कुल मैंने कर रखी है साफ, मेरा रूम क्लीन है, ये वो, ऐसा नहीं है। ऐसे ही रहता है, घर में भी मैं रहता था मेरा रूम वैसे ही रहता था। मेरे को मतलब ऐसे साफ सफाई करना ज़्यादा पसंद नहीं है, साफ सफाई पसंद है लेकिन साफ सफाई करना ऐसा पसंद नहीं है मेरे को। और यार मेन है कि मन साफ होना चाहिए बस, ठीक है। ये तो मैंने अभी कितना 5 मिनट में कर लिया, ठीक है, 5 मिनट में मन साफ नहीं होता, तो अपना मन साफ रखें, ठीक है। ये तो साफ सफाई होती रहेगी, बाकी बोलने की बातें, बाकी सब बर्तन धुलता हूँ, उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता है ना, वीडियो को लाइक कर देना। बर्तन धुलता हूँ मैं, फिर इधर पोछा मारेंगे। भैया सो रखा है इस टाइम पे, उसकी नाइट ड्यूटी रहती है ना, तो सो रखा है। तो मैंने खाना भी बनाना है, कई काम होते हैं यार, क्या बताना, कई जानी मनी काम करना खा लिया। अब मैं खाना भी खानी, अब एक झाड़ू पोछा मारने इन्होंने, है ना, फटाफट करते हैं और बने रहो ब्लॉग के साथ। কুলি হেঙুলিয়া রংবুর
कमरे की सफाई हो गई है, पहले से तो ठीक ही है। अब एक दिन आप जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन अलमारी ठीक करूँगा। बाकी किचन की भी साफ़ सफाई हो गई है, बिल्कुल चम हो गया है। अब दाल है, फटाफट दाल छौंकता हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब 2 ही बज गया है लगभग के बज ही गए 2। तो दाल छौंकता हूँ, भात चढ़ाता हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। तो यार अब दाल छौंकने का टाइम आ चुका है और मुझे नहीं पता कि एंगल कैसा आ रहा है, कैसा आना चाहिए एंगल को। तो उसको मैंने हेलमेट पर अटका दिया, फ़ोन को, ट्राईपॉड ही ख़राब हो गया आज, ट्राईपॉड अब दूसरा लाना पड़ेगा। दाल है, ये गोभी बनानी है यार, गोभी दाल के साथ डाल दूंगा इसको, नहीं तो ये खराब हो जाएगी ऐसे में। गोभी काटना सबसे आसान है यार, फूल गोभी। क्या उंड दे, ओ गोभी को डाल देता हूँ प्याज के साथ, गोभी थोड़ा फ्राई हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, मसाले साफ भूनते हैं। तो यार जब तक ये होता है तब तक मैं चावल चढ़ा देता हूँ, और चावल कैसे यार, हाँ चावल चढ़ा देता हूँ तब तक। और फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो रही है, डाउन हो गई क्या, 5% लास्ट बची हुई है। तो दोस्तों मैंने कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे और बारिश लग गई है वो भयंकर, आज शाल की शादी हुआ, धूप भी है बारिश भी हो रही है। कपड़े धोले मैंने ना, एक पजामा और जूते धोले, सूख तो गया वैसे, अबे जूते नहीं सूखे यार अच्छे। यार एक तो यहाँ का मौसम भी अजीब सा है यार, ये देखो ये यहाँ पे बादल नहीं है, यहाँ बादल नहीं है, देखो पूरा साफ है, और यहाँ अलग ही बारिश हो रही है। चलो चलो, इसको हमारे गांव के पास हम बोलते हैं श्याल की शादी। दाल रख दी है मैंने इस पे और इसमें चावल रख दिए हैं। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आज का ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक इसके पीछे कहानी है, तो ब्लॉग में थोड़ा कंटिन्यूटी बनी रहे और थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग में थोड़ा हाथ भी सेट रहता है, इसलिए बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।